फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज से महत्वपूर्ण 5-6 स्लाइड आपको दिखाऊंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके पास जाएंगी। वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है हॉकी है। आप लोग पहले स्लाइड में देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त है। एक वृत्त में दो मछलियां हैं और एक तीर धनुष है उसमें। ये जो है 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो आप लोग देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, गूगल मैप से डाउनलोड करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो 12 सिंगा है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पहले दिखाई देते थे, लेकिन अब नहीं दिखाई देते 12 सिंगा। तो देख लीजिएगा आप लोग उसे गूगल मैप गूगल पे। आगे है, प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? जो प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है सारस। सारस को सारस भी कहते हैं अथवा क्रॉन्च भी कहते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश को जो है टेंसू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसू। पलाश को टेंसू भी बोलते हैं। ये जो राजकीय पुष्प है 4 जनवरी 2001 से स्वीकृत है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। किसकी संख्या? जिलों की संख्या। तो जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में जो है 75 है। कितनी है? 75 जिलों की संख्या। आप लोग याद रखिएगा, 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। तो है उत्तर प्रदेश में संभाग। संभाग मतलब होता है मंडल। संभाग का मतलब, इस संभाग का जो है मतलब है मंडल। तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या है वो है 18। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो बड़े मंडल हैं, तीन बड़े मंडल हैं, बड़े संभाग हैं तीन। एक है कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इसमें जो है 6-6 ज़िले हैं और सबसे छोटे जो संभाग है वो है मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर। इसमें केवल 3-3 ज़िले हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? देखिए, यही सब क्वेश्चन जो है छोटे छोटे एग्जामों में अथवा बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मेरा मोटो ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मोटो ये है कि उत्तर प्रदेश के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे वीडियो सीरीज में आपके पास जाएगा। तो प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो लगा था 25/2/1968 ईस्वी में। 25/2/1969 तक एक साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तक प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। निकटतम जो 10वां राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा था 8/3/2002 से 3/5/2002 तक। ठीक है, 2002 में, उसके बाद से जो सरकारें बन रही हैं वो पूर्ण बहुमत की सरकारें उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, वो लोकसभा सीटों की संख्या है 80। ठीक, तो प्रदेश में जो लोकसभा सीट है उसमें 17 सीटें एससी के लिए व 0 सीटें, मतलब एसटी के लिए कोई सीट नहीं आरक्षित है, लेकिन 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाज़ियाबाद जो है सबसे बड़ा है व बागपत जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो प्रदेश में विधान परिषद का गठन जो है
1937 में किया गया, तब से लेकर के अनवरत आज तक विधान परिषद यहाँ पे काम कर रही है। उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या जो है 108 थी, लेकिन वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है 100 है। कितनी है वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या? 100 है। देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, और उत्तरांचल में जो है 13 जिले के साथ जो है उत्तराखंड को अलग किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आप उत्तराखंड के बारे में ले सकते हैं। तो वर्तमान में विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में संख्या जो है 100 है, लेकिन जब उत्तराखंड भी इसमें शामिल था तो इसमें विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 108 थी। अगले स्लाइड पर चलते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाली जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है प्रयागराज है। प्रयागराज में 12 सीटें विधानसभा की वर्तमान में हैं। अगली चर्चा करते हैं, अगला बात है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो 3 जिले ऐसे हैं जिसमें केवल 2-2 विधानसभा सीटें हैं, वो हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। ये 3 जिले ऐसे हैं जिसमें केवल 2-2 विधानसभा सीट है। अगली क्वेश्चन है, अगला लाइन है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें 84 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए निर्धारित की गई है। आगे चर्चा करते हैं, उत्तराखंड बनने के पहले विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड बनने के पहले विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425। मैंने अभी बताया कि उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, 13 जिलों के साथ उत्तराखंड को अलग किया गया था। ठीक है, तो 13 पहाड़ी जिले थे, इस वजह से उसे अलग कर दिया गया था 9 नवंबर 2000 को। जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 425 सीटें थी। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 404 है, जिसमें 403 पर चुनाव होता है, 1 मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है वह मनोनयन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगला स्लाइड है, राज्य विधानमंडल का प्रकार कौन सा है? तो पहले मैंने बताया है कि राज्य विधानमंडल का जो प्रकार है वो है द्विसदनात्मक। क्या है? द्विसदनात्मक प्रकार है राज्य विधानमंडल का। सबसे अगली स्लाइड है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 ईस्वी में। ठीक है, जुलाई 1937 ईस्वी में अंतरिम सरकार जब उत्तर प्रदेश में हुई थी उसी समय राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था। तब से लेकर के आज तक विधानसभा वही विधानसभा का, विधानसभा तो 5-5 साल में बदलती रहती है, लेकिन 1937 से जब से विधान परिषद का गठन हुआ था तब से विधान परिषद अभी तक चल रही है, क्योंकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला करके, ठीक है, उस समय जो है 431 थी। कितनी थी? 431 थी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो एनआरआई है, एनआरआई दिवस जो है जनवरी में मनाया जाता है। जनवरी में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है? प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 2017 के अनुसार प्रदेश में 14.12 करोड़ मतदाताओं की संख्या है। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अनुसार प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 14.12 करोड़ है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, देखिए एनसीआर जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन्स, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 4 जिलों को प्रस्तावित किया गया है कि आगे इन्हें जो है स्थान दिया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में।
वो है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। ठीक है, तो यही है। आगे क्वेश्चन है, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में NRI विभाग का गठन कब किया गया? तो अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए राज्य में 18 जुलाई 2014 ईस्वी को राज्य में NRI विभाग का गठन किया जाता है। ठीक, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने ज़िले वर्तमान में सम्मिलित हैं? तो है 8 जिले। कितने ज़िले हैं? 8 जिले वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। वो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। इसी तरीके से होता है। उत्तर प्रदेश का ये जो मानचित्र है आप लोग देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का मानचित्र मैं दे दिया हूँ, अगर ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के मानचित्र से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से, इधर देखिए हरियाणा यहाँ तक है, ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और इधर जो है झारखंड है, और ये देखिए बिहार है, इधर बिहार है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इधर जो है छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। तो इसी तरीके से 8-9 राज्यों से जो है घिरा हुआ। अगर राज्य की बात करें तो 8 राज्य, दिल्ली को लेकर के 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश केवल और केवल नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और कितने ज़िले नेपाल के साथ लगते हैं? तो 7 जिले। कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ठीक है, तो ये जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो यहाँ पर है बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वो यहाँ पर है शामली। देखिए यहाँ पर शामली है। ठीक है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है, और सबसे उत्तरी ज़िला जो है सहारनपुर। देखिए ये देखिए ऊपर सहारनपुर है यहाँ पर, और सबसे दक्षिणी ज़िला जो है ये नीचे जो है सोनभद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा, उत्तर प्रदेश पढ़िएगा अच्छी तरीके से। कुछ स्लाइडों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी पता चले उत्तर प्रदेश कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हम अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश जानना चाहिए, और UPSC से UPPCS से लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI, अन्य सभी एग्जामों में, अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़िए और लाभ उठाइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।